हेलो फ्रेंड्स, मैं विभू शर्मा आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको निराशा हाथ लगती है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है। एक लड़का था जो बहुत ही पढ़ाई में वीक था। तो उसके टीचर्स उसे हमेशा कहते रहते थे कि भाई एक ऐसे लर्न कर ले कबड्डी के मैच का आंखों देखा हाल, और वही पेपर में आएगा जो तुझे लिखना है। और उस लड़के ने पूरी साल वैसे लर्न किया और उसे वो अच्छे से याद भी हो गया। तो अब जब उसने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, दिल्ली से जयपुर की हवाई यात्रा का वर्णन करो। लड़का बेचारा निराश हो गया, लेकिन भले ही वो पढ़ाई में थोड़ा वीक था, लेकिन थोड़ा समझदार था। उसने दिमाग लगाया और उस ऐसे को कुछ इस तरह लिखा कि मैं दिल्ली हवाई अड्डे से जयपुर के लिए एरोप्लेन में बैठा और हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी। अब उड़ान भरने के कुछ समय बाद हवाई जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज़ को एक मैदान में उतारना पड़ा। अब मैदान में उतारने के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट की गई कि हवाई जहाज़ को अभी ठीक होने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। तो लोगों ने सोचा, जो यात्री थे उन्होंने सोचा कि भाई 4 से 5 घंटे क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कबड्डी का मैच ही खेल लेते हैं। अब उस लड़के ने पूरी साल जो ऐसे लर्न किया था वो जैसे का तैसा लिख दिया कि कबड्डी के मैच में ये होता है, वो होता है। और उसके बाद उन्होंने वो पूरा ऐसे उसने लड़के ने वो पूरा ऐसे लिख दिया। तो लास्ट में उसने एक उसके बाद लिखा कि अब हवाई जहाज ठीक हो गई और सभी यात्री उसमें बैठ गए और उड़ान भरी हवाई जहाज ने फिर से, और हम इस तरीके से जयपुर पहुंच गए। उस लड़के ने उस परिस्थिति को इस तरह से बदल दिया और पूरी की पूरी सिचुएशन को ही चेंज कर दिया और उसने ऐसे लिख दिया। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं और स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं, तो उन्हें मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पहले पूरी सिचुएशन को अच्छे से ठंडे दिमाग से सोल्व करना चाहिए, समझना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू।